आप देख रहे हो हाउ ब्यूटीफुल द रोड इज, बहुत मज़ा आ रहा है। थोड़ा बीच बीच में पैच ख़राब है, इट्स विलेज रोड तो उतना चल जाता है, बट जो व्यू है, जो सीन है, पिक्चर परफेक्ट सीन्स होते हैं, लैंडस्केपिंग होती है, परफेक्ट होती है, आप बस उसमें डूब जाओगे, इट्स दैट ब्यूटीफुल। अचानक से बारिश शुरू हो गई है एंड वी आर डूम्ड बिकॉज हमने कुछ रेन कवर एक्सेट्रा नहीं लाया है एंड गोप्रो भी खुला ही है, आई गेस वी विल हैव टू वेट समवेयर। बारिश रुक गई है, बस 5 मिनट के लिए गिरी, सब गीला तो हुआ नहीं है ज़्यादा, लेट्स सी आगे बारिश ना मिले, होपिंग सो। भाई सरल ना, बादल अभी भी गरज रहे हैं, कुछ भरोसा नहीं है बारिश का। वैसे क्लाउड्स तो बहुत कम हो गए पहले के मुकाबले, पीछे की तरफ चले गए हैं, आई होप इट डजंट रेन वरना हमारी जर्नी और स्लो हो जाएगी ऐसे ही रुकते रुकते। तो कुछ 2 किलोमीटर्स बचे हैं मेन हाईवे या जंक्शन आने के लिए, तो ये प्यारा सा खूबसूरत रोड ख़त्म हो जाएगा, वो जस्ट लुक एट दैट, क्या व्यू है ब्रो। तो पूरे रोड पे एक फॉग की पतली सी लहर पूरे रोड पे एक पतली सी फॉग की लेयर आई हुई है, आई डोंट नो कैमरा में दिखाई देती होगी कि नहीं बिकॉज बहुत ही लाइट है, आई गेस इट्स विजिबल नाउ, आई डोंट नो इट्स फॉग की जो कुछ भी है, अगर आपको पता है तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट्स, बट इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल रोड पे, बहुत ही अच्छा लग रहा है, आई डोंट नो क्योंकि अलग सा ही सीन है, दोपहर में फॉग दिख रहा है आपको, फॉग है या ह्यूमिडिटी है, आई डोंट नो व्हाट इट इज। शुड वी लीन, नो, रोड गीला लग रहा है भाई, आई कैन फील द कोल्ड वेदर, बारिश करने की वजह से वेदर अचानक से बहुत ही ठंडा हो गया है यहाँ पे, वो महसूस कर सकता हूँ मैं, क्योंकि अचानक से गर्मी जो पहले हो रही थी, फील हो रही थी, वो बंद हो गई है, बहुत ही ठंडा ऐसा लग रहा है कि एसी रूम में बैठे हैं, हाँ एकदम 18 पे एसी करके नहीं लेकिन 24 पे ज़रूर, तो दैट्स गुड। ओ गॉड, रोड ख़त्म हो गया यार, शी, तो अभी हाईवे शुरू हो गया है, गो करना था डिक्सरी, आई गेस ये रोड भी बुरा नहीं होगा, चलो। वाइल्ड मंकीज ऑन द रोड, छो कोई आंख पे नहीं है भाई, कोई कोई अटैक कर देते, स्कूल कुछ खाने के लिए है भी नहीं अपने पास, वरना कुछ दे देते उनको। वाह, तो हम रुके थे खाना खाने यहाँ पे, श्री कृष्णा रसोई वेज रेस्टोरेंट, खाना बहुत ही अच्छा था, प्रॉपर साउथ इंडियन खाना, और ऑब्वियसली हम कर्नाटक में है तो उनके ट्रेडिशंस के हिसाब से खाना बनेगा, तो दैट वाज गुड, प्राइस भी रिजनेबल था। अभी हम निकल रहे हैं, तो आज रात को शायद हम बेलगाम में स्टे करेंगे, जैसे मैंने कहा मेरे फ्रेंड को रुकना है, तो बेलगाम में स्टे करेंगे, वहाँ पे पहुँचते 8-8:30 बजे, क्योंकि रोड थोड़ा ख़राब दिखा रहा है, लेट्स सी, चलो।
लेफ्ट है क्या? लेफ्ट दाखवते ना बेलगाव, लेफ्ट दाखवते ना। अरे पण हाय तो आपण धारवाड वरून जाऊ, हायवे करू, हा फॉरेस्ट मधून जातो, रोड खराब असलो तर काय करणार। उसको आज घर नहीं जाना है, उसको स्टे करना है बीच में, तो स्टे करा के ही रहेगा। लॉन्ग कट ले, शायद लॉन्ग कट लेने ही लगाएगा हमें, देखते। हमें बाइक चलानी मिल रही है तो वी आर नॉट कंप्लेनिंग एनीवन। और रोड भी आप देख सकते हो कितना प्यारा रोड है। तो ऊपर क्लाउड्स इकट्ठा हो गए हैं, क्या प्लान है उनका क्या मालूम। आई विश इट डजंट रेन। ये राइड फिलहाल तो बहुत अच्छी जा रही है, रोड बहुत ही अच्छा है ये वाला, ये धारवाड़ वाला रोड है। ग्रीनरी बोथ साइड पे है, जंगल फॉरेस्ट एरिया है पूरा, तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतर रोड है। तो मैंने बहुत जगह देखा है कि अपने बाइक को सेकेंड थर्ड फोर्थ सारे लुक्स मिल रहे हैं कंपेयर टू R15। अपने बाइक को लोग ज़्यादा देख रहे हैं, दैट इज़ बिकॉज MT ज़्यादा नहीं दिखती इस एरिया में, या मुझे जहाँ भी मैं गया हूँ गोवा एक्सेट्रा, मेरे को MT 15 ज़्यादा दिखी नहीं। और जिन्हें मालूम भी है MT 15, वो फिर भी फिगर आउट नहीं कर पा रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सेसरीज लगे हुए हैं बाइक पे, तो बाइक का लुक ऑलमोस्ट चेंज हो गया है पूरा। सो दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट विच बाइक इट इज़। तो अचानक से तेज़ बारिश शुरू हो गई थी, हम रुक गए थे पेट्रोल पंप में। अभी बारिश रुक गई है लेकिन बारिश वापस होने के पूरे आसार है, तो मैं GoPro अंदर रख रहा हूँ और देखता हूँ आगे जाकर अगर हमें व्लॉग करना मिलता है तो। चलो हेलो गाइज, वेलकम बैक। पिछले सीन में आपने देखा होगा बारिश हो रही, तो हम रुक गए थे वहाँ पे। उसके बाद डायरेक्टली अभी हम यहाँ पे बेलगांव के आसपास पहुँचने आए हैं, बहुत लेट हो गया हमें, बारिश की वजह से बहुत देर रुकना पड़ा, उसके वजह से अभी हमें स्टे करना पड़ेगा यहाँ पे बेलगांव में। तो 7:30 के आसपास बज चुके हैं। हम मैंने बोला मेरे फ्रेंड को कि हम डायरेक्टली जाते हैं मुंबई, बच जाएंगे 2 या 3 मैक्स बच जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जाते हैं आराम से। लेकिन वो उसको स्टे करना है, उसको आराम करना है, बोलते हैं हमें इतनी जल्दी नहीं करनी है, तो सुबह उठ के जाएंगे। तो मैं खुद ही अकेला जाने वाला था लेकिन मेरे मॉम ने भी मना कर दिया कि रात को मत आओ, तो और कल दिवाली भी है, तो इसलिए मैं सोचा कि नहीं नाराज़ करते किसी को, तो आई स्टे। तो आई विल स्टे विथ हिम, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि सुबह 4 बजे ही निकल जाओ, 4-4:30 के आसपास, सो दैट 11-12 बजे पहुँच जाओ घर पे। एक्चुअली कल से दिवाली शुरू हो रही है, तो आई वॉन्टेड टू बी विथ माई नीस एंड माई फैमिली, इसीलिए मैं उसको बहुत मिस कर रहा था। तो चलिए अभी अंधेरे में शायद आपको कुछ दिखता भी नहीं होगा, तो डायरेक्टली हम रूम देखने जाते हैं हमारा आज के स्टे के लिए, तो जैसे वो मिलता है वहाँ पर ब्लॉग एंड कर देंगे आज का। तो गाइस वी हैव जस्ट एंटर्ड द बेलगाम सिटी, अब चलते हैं रूम देखते हैं। मेरा तो सुबह 4 बजे निकलने का प्लान था लेकिन वो बोल रहा है कि 6 बजे निकलना है, तो भावताव कर रहा है। तो मैं बोला नहीं भाई, इसमें कुछ कम ज़्यादा नहीं होगा, मैं 4 बजे निकल जाऊँगा, तो बोल रहा है फिर एक काम करते हैं 5 में डन करते हैं, 5 बजे निकलते हैं। तो मैं बोला नहीं भाई, नहीं परवड़ेगा मेरे को, तो बोल रहा है 5 में डन कर दो कर दो, तो देखते हैं अभी आगे कैसा डिसाइड हो रहा है ना। तो पहुंच गए हैं बेलगाम, यहाँ पे होटल दुर्गा रेसिडेंसी में आज रात के लिए अकोमोडेशन ले रहे हैं, फिर सुबह जल्दी निकलना है। तो फ्रेंड गया है रूम देखने किस तरह का रूम है, बाइक तो एक यहाँ पे पार्क है, एक वहाँ पे पार्क है, जो वहाँ फिर से यहाँ पे आ जाएगी। तो चलो देखते हैं, अगर रूम मिलता है तो वेल एंड गुड, वरना दूसरा ढूंढना पड़ेगा, भूख भी लगी है। तो दिस इज़ द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मॉर्निंग अराउंड 5:30 हम निकल रहे घर के लिए मुंबई फाइनली। तो होटल दुर्गा रेसिडेंसी वी स्टेड हियर, वो फाइन होटल बहुत चीप में मिला हमको। तो रात को भी हैड फूड और फर से निकल गए, कुछ व्लॉग वॉक नहीं किया क्योंकि सुबह जल्दी उठना था।
चलो तो वी ऑल सैडल्ड अप, निकल रहे मुंबई की तरफ। चलो हैप्पी दिवाली। हाँ तो हम निकल गए मुंबई की तरफ, नाइस एंड स्मूथ। बहुत ठंड काफ़ी है सुबह सुबह, ठंडी बहुत ही अच्छे से शुरू हो गई है। यू कैन फील इट, हमारे रूम से ज़्यादा ठंडी है बाहर, जबकि हमारे रूम में ऑलरेडी एसी चालू थी। तो वी आर ऑलरेडी कनेक्टेड टू द हाईवे, दो मिनट के दूरी पे ही था वो होटल, इसलिए हमने वो सिलेक्ट किया था। तो पुणे 342, चलो देखते हैं अभी कितने समय में कवर होता है। कोल्हापुर इज 99, मुंबई इज 483। तो हमें लग सकते हैं 6 से 7 घंटे मैक्स मुंबई पहुंचने में, क्योंकि हम फिलहाल ज़्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, 80 के आसपास ही, 70s और 80s में ही स्पीड रख रहे हैं, क्योंकि रिटर्न जा रहे हैं, कुछ जल्दबाजी करके मतलब नहीं है। अब जल्दी निकले भी हैं तो पहुंच जाएंगे आराम से दोपहर तक घर पे, तो वी आर नॉट इन अ हरी। आप जल्दी जा सकते हो, जल्दी पहुँच सकते हो, लेकिन देर इज़ नो पॉइंट अभी जल्दी जाने के लिए, जल्दबाजी करने का। हाँ, अगर मैं रात को मेरी राइड कंटिन्यू रखता तो इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट केस, तो मैं थोड़ी जल्दबाजी करता, आई वुड हैव हिट 100s and 120s इन ऑर्डर टू रीच अर्ली, बट अभी इतनी जल्दबाजी करके देर इज़ नो पॉइंट, तो आराम से चलते हैं। तो अभी हम ऑफिशियली एंट्री कर चुके हैं महाराष्ट्र में, फील्स नाइस टू बी बैक इन महाराष्ट्र, लेकिन विल फील बेटर व्हेन वी आर बैक इन मुंबई। तो वी आर इन कोल्हापुर नाउ, हाईवे से थोड़ा उतर गए हैं कुछ चाय नाश्ता करने के लिए, तो आई गेस द टाइम शुड बी समवेयर अराउंड 7 नाउ, रुकने के बाद चेक कर लेंगे। सुबह हम ऐसे निकले थे, पानी पी के, कुछ खाया नहीं था, तो सोचा कि यहाँ पर ही कुछ खा लेते हैं थोड़ा सा, फिर डायरेक्टली देखते लोनावला के तरफ। कहाँ पे चले गए भाई? तो रुक गए हैं कोल्हापुरी अमृतालय चाय के यहाँ पे। तो बज गए हैं ऑलमोस्ट 7:15 एंड हम निकल रहे हैं यहाँ से, शायद सातारा स्वागत कहीं पे रुकेंगे खाने के लिए। अभी सिर्फ हमने चाय पी है, क्योंकि अभी कुछ अवेलेबल है नहीं इतने जल्दी, तो निकल रहे हैं, विल डायरेक्टली गो टूवर्ड सातारा एंड देन विल ईट समथिंग। तो चलो आगे के एक नंबर प्लेट का नट गिर गया है और दूसरा भी लूज़ हो गया था, इसलिए हमने नंबर प्लेट निकाल दी है, आगे जाके कोई शॉप पे उसको रिप्लेस करा देंगे। पेट्रोल रिफ्यूल किया, खुद को भी रिफ्यूल किया,
नाश्ता किया यहाँ से और अभी निकल रहे। अभी तो शेड्यूल ऐसा है कि डायरेक्ट लोनावला में रुकेंगे जो 160 किलोमीटर है यहाँ से, देखते बीच में, लेकिन मुझे रुकना पड़ेगा फॉर नट बोल्ट। चलो निकलते। गाइस वी हैव एंटर्ड लोनावला नाउ। लोनावला का मेन मार्केट है ये, तो यहाँ से हम कुछ ख़रीदेंगे घर के लिए, देखते हैं अगर कुछ अच्छा मिलता है तो, और फिर यहाँ से निकल जाएंगे और फिर यहाँ से होगा नॉन स्टॉप मुंबई। तो यहाँ पे रुकेंगे कुछ रिफ्रेशमेंट्स के लिए भी, मतलब ये होगा एक 15-20 मिनट का स्टॉप होगा हमारे लिए, और फिर उसके बाद डायरेक्टली मुंबई जाएंगे घर पर। तो थोड़ी सी चिक्की ले ली यहाँ से और निकल रहे अभी घर की तरफ। तो गाइस वी हैव रीच्ड नवी मुंबई, अभी है बेलापुर में, मेरा फ्रेंड रहता है नेरुल में, उसको उसके घर तक छोड़ के आएंगे क्योंकि कुछ सामान है उसका मेरे बैग में, तो वो उसको दे दूंगा और फिर मैं निकल जाऊंगा टूवर्ड्स माय होम चेंबूर मुंबई। तो फ्रेंड को ड्रॉप कर दिया उसके घर पे, उसका सामान उसको दे दिया, अब निकलते अपने घर की तरफ। तो जितनी खुशी है घर पहुंचने की, उतना ही गम भी है कि ये राइड ख़त्म हो रही है यहाँ पे। लेकिन नो वरीज, एज हमने नेक्स्ट राइड ऑलरेडी प्लान कर लिया है, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। उस कहाँ पे जाने वाले, क्या करने वाले हैं, सारी डिटेल्स आपको देंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी आई गेस, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत तो राइड करनी पड़ेगी एवरी मंथ, तो वो करेंगे हम। और इस राइड के सारे व्लॉग्स आपको कैसे लगे, यानी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है आपने पहले के वीडियोस देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो ऊपर एक प्लेलिस्ट का बटन आता होगा इस राइड का, वो आप देख सकते हो। तो आई होप आपको अच्छा लगा और आपने सब्सक्राइब किया हो चैनल को, इट विल रियली मोटिवेट मी, क्योंकि आई एम न्यू टू ट्रैवल व्लॉगिंग। तो धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे, धीरे धीरे बेटर करेंगे अपने वीडियोज़ को। तो नेक्स्ट वीडियोस जो हमारे चैनल पे आपको दिखेंगी, वो है हेलमेट गिव अवे का और रिव्यू मेरे हेलमेट का, और मेरा एग्जॉर एपेक्स जो हेलमेट है विविड, उसका एक प्रॉपर रिव्यू दूंगा अब जो मैं राइड पे जाके आ गया हूँ। और एक गिव अवे में हेलमेट दे रहे हैं हम, वो कौन सा है, क्या है, आप सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी चैनल पर, सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ ही दिनों में वो व्लॉग भी आ जाएगा और आप कैसे एंटर कर सकते हो वो कॉन्टेस्ट, वो भी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। और इसी के साथ हमारी फर्स्ट सर्विस होनी है, सर्विस एक्सेट्रा के सारे डिटेल्स मिलेंगे।
और जो R15 हमारे साथ आई थी उसमें थोड़े से अपग्रेड्स होंगे एक्सेसरीज़ के। तो अगर आप ये सारे कंटेंट में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वो सारे ब्लॉग्स कुछ ही दिनों में आने वाले हैं। सो इट्स अ टच डाउन फॉर अस गाइज, हम भी पहुँच गए चेंबूर मुंबई। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वन।